कटक की जब भी बात होगी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम याद आएगा। और इस समय हम कटक स्टेशन पर मौजूद हैं। और कटक स्टेशन पर हम आपको क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं क्योंकि कटक स्टेशन को रिडेवलप किया जा रहा है। इस बारे में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय कुमार सामल जी हैं, जो कि चीफ इंजीनियर हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सामल जी, न्यूज़ स्टेशन में आपका स्वागत है। अगर हम इस कटक स्टेशन की बात करें तो कितना ऐतिहासिक है ये? देखिए, कटक स्टेशन की कनेक्टिविटी 1902 साल की है। देन इसका जो स्टेशन बिल्डिंग बना है वो करीब 1964 में बना है। एंड अभी जो एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये करीब 2006 का ये बना हुआ था, ये जो फोर्ट टाइप का देख रहे हैं। और इसी में जो फैसिलिटीज़ अभी है, हम लोग अभी इसी को फर्दर डेवलप करने के लिए प्रयास किए हैं। इसको अभी वर्ल्ड क्लास स्टेशन के नाम पे हम लोग बना रहे हैं, उसी ढांचा में बना रहे हैं। वैसे ही फैसिलिटीज़ हम लोग इसमें पब्लिक को, पैसेंजर को देने के लिए ये हम लोग का एक प्रयास है। यहाँ पर एक बड़ा प्रयास हो रहा है और यहाँ हम आपको जो दिखा रहे हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आज़ाद हिंद फौज के लिए लिया जाता है। देश की आज़ादी के लिए जो एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसकी अगर हम बात करेंगे तो नेताजी के से संबंधित तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, क्योंकि कटक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ प्लेस है, यहीं पर जन्म हुआ था। तो आइए आपको हम मौजूदा स्टेशन दिखाते हैं, मौजूदा स्टेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो दिखाते हैं। इस समय का जो स्टेशन है सामल जी, वो कितने प्लेटफार्म का है और कितने लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? अभी ये जो है इधर टोटल 5 प्लेटफार्म है, उसी में फुटफॉल्स अभी करीब अराउंड 20,000 फुटफॉल्स है। और ये सब चीज़ जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग पूरा नवीनीकरण करेंगे, उसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ ये देंगे। ये जो FOB आप देख रहे हैं इधर अभी, इसके बदले में एक बड़ा FOB हम लोग यहाँ बना रहे हैं। एंड ये बीच में हम लोग का जो नया स्टेशन हम लोग जो बना रहे हैं उसी में एक एयर कॉन्कोर्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, 108x64 मीटर की है, जिसमें हम लोग करीब करीब 1235 सीटिंग अरेंजमेंट रखे हैं एंड नियर अबाउट 40 कियोस्क रखे हैं। और इसके अलावा अदर फैसिलिटीज जो भी पैसेंजर को चाहिए, जस्ट लाइक आपका बेबी फीडिंग रूम हो गया, इन्फेंट रूम हो गया, बाकी पैसेंजर केयर के लिए वट एवर रिक्वायर्ड, ऑल टॉयलेट्स, डर्मिटोरीज, रिटायरिंग रूम्स, एवरीथिंग हम लोग ये यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं विद मॉडर्न फैसिलिटीज। सब तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नया स्टेशन तैयार हो रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये पश्चिमी किनारा कहा जाता है, ये पश्चिमी किनारा, वेस्ट साइड बोलते हैं इसको, कटक का वेस्ट साइड है। और उधर की अगर हम बात करेंगे तो ईस्ट साइड है। और अमूमन होता क्या है, जब कोई रेल लाइन किसी इलाके से गुजरती है तो कहीं ना कहीं उस इलाके को दो हिस्सों में बांट देती है। और इस स्टेशन की बात करें तो जो मुख्य एंट्री है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वह वेस्ट साइड में है। तो यहाँ पर जब आपका नया स्टेशन बन जाएगा, इसके ऊपर जो कॉन्कोर्स बनाएंगे आर पार लोग जा सकेंगे, कॉन्कोर्स के बारे में बताइए क्या क्या बना रहे हैं? देखिए, कॉन्कोर्स जो बना रहे हैं इसमें ये जो मेन बिल्डिंग है वेस्ट साइड हम लोग एंट्री दे रहे हैं, अभी ईस्ट साइड भी हम लोग एंट्री का प्रबंध भी किए हैं। बिकॉज ये जो कटक शहर है इसमें बीच में नेशनल हाईवे जा रहे हैं, नेशनल हाईवे के उस पर भी बहुत सारे आबादी हैं तो उनको यहाँ आने के लिए भी काफ़ी तकलीफ होती है। तो इसमें हम लोग अभी जो नया स्टेशन बना रहे हैं इसमें वेस्ट एंड ईस्ट एंड को इंटीग्रेट कर रहे हैं, एंड ईस्ट एंड से जो नेशनल हाईवे है वहाँ का एक पाथवे हम लोग बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, कनेक्टिविटी दे रहे हैं नेशनल लेवल से, सो दैट उधर से भी जो भी पब्लिक है, नॉट ओनली फ्रॉम कटक, आपका इस तरफ जाजपुर भाजपुर से आ सकते हैं, जगत सिंहपुर पारादीप से आ सकते हैं, भुवनेश्वर से भी आ सकते हैं, उस तरफ से भी आ सकते हैं, बीच का जो भी आदमी है उधर से आके भी देख के अवेल द फैसिलिटी, उसी एंड से भी डायरेक्ट नेशनल हाईवे से स्टेशन के अंदर इन लोग आ सकते हैं, ये फैसिलिटी हम लोग यहाँ भी दे रहे हैं। अभी की अगर हम बात करें तो अभी कितने लोग जो है इस स्टेशन पर आते हैं, और जब आप पूरा स्टेशन रिडेवलप कर लेंगे तो कितने लोगों के लिए फैसिलिटी कर रहे हैं? अभी जो फुटफॉल से नियर अबाउट 18 to 20,000 के बीच में होता है। जैसे हम लोग ये जो फैसिलिटी डेवलप करेंगे, नेचुरली ये जो पब्लिक ये पैसेंजर्स देखेंगे ये अच्छा फैसिलिटीज़ है, एंड रेल जो सुविधा दे रहे हैं बहुत लिटिल खर्चा में ये दूर यात्रा के लिए बहुत प्रबंध इसका है,
एंड इसी में बहुत कंफर्ट है। आप अगर सड़क में जाएंगे उससे मच बेटर, मच कंफर्टेबल आपको रेलवे जर्नी देगा। ये रेलवे जर्नी जो है वाकई कंफर्टेबल होती है। और यहाँ पर स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये मौजूदा स्टेशन है, इसका लुक कुछ अलग है। इसका लुक थोड़ा सा फोर्ट टाइप का दिया गया है, बट अभी हम लोग जो लुक अभी नवीनीकरण में हम लोग देंगे, विशेष करके ये जो बाली जात्रा है, कटक का एक फेमस जात्रा है। ये बाली जात्रा बेसिकली होता है कि हम लोग का जो प्रोडक्ट्स है, जो स्पाइसेस वगैरह है, ये इंडोनेशिया बाली यहाँ से जाते थे बाई बोट, बोट से जाते थे आदमी लोग, वहाँ जाके उसका वाणिज्य करके यहाँ आते थे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो फसाड़ अभी बना रहे हैं, आप जो बता रहे हैं ये एयरपोर्ट लाइक भी दिख रहा है, उसमें ये एक बोर्ड शेप भी हम लोग फसाड़ में दे रहे हैं, सो दैट उसी को भी हम लोग रिमेम्बरेंस के लिए, बाली यात्रा को रिमेम्बरेंस करके ये शेप हम लोग दिए हैं नए। यहाँ पर आप समझिए, जब ओडिशा की बात होती है तो कहीं ना कहीं ओडिशा के तमाम ऐसे बंदरगाह थे जिनका कनेक्शन बाहर के देशों से था। ताम्रलिप्ति की बात करें या और भी दूसरे इस तरीके के बंदरगाह हैं, उसी तरीके का कनेक्शन कटक का रहा है। तो कटक की जो नई बिल्डिंग बन रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पास में ही नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, ये कितना भव्य होगा जो आप काम कर रहे हैं। ये आप अगर देखेंगे अभी आपको इतना जो कंस्ट्रक्शन फेज में ये है, इसमें बहुत सारे फैसिलिटीज हम लोग दे रहे हैं। इसमें बेसिकली जो प्राइम चीज़ हम लोग दे रहे हैं, यहाँ हम लोग डिपार्चर कंकोर्स एंड अराइवल कंकोर्स इसको सेग्रीगेट किए हैं। अभी क्या है, इंटरमिंगल होकर पब्लिक आते हैं, इसी रास्ते में आते हैं, इसी रास्ते में जाते हैं, केओस टाइप का बन रहा है। इसको बिल्कुल हम लोग सेग्रीगेट किए हैं, दो अराइवल कंकोर्स दे रहे हैं, एक डिपार्चर कंकोर्स दे रहे हैं, सो दैट कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे ये कोई जैसे पैसेंजर्स यहाँ आएंगे वो पहले डिपार्चर कंकोर्स में आएंगे, डिपार्चर कंकोर्स जो ग्राउंड फ्लोर में है उसमें सारे सुविधा हम लोग UTS है, PRS है, ऑल फैसिलिटीज़, बैठने का अरेंजमेंट भी है, वो सब का देके देन डिपार्चर कंकोर्स से उन लोग एस्केलेटर हो या लिफ्ट हो या स्टेयरकेस हो, उसी के माध्यम से इन लोग फर्स्ट फ्लोर जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर में हम लोग का फूड कोर्ट रखा गया है, जिसको जो भी खान पान का प्रबंध, यहाँ जो भी वेराइटीज डिफरेंट लोकल क्विजिन हो, बाहर का हो, सब कुछ का स्टॉल यहाँ रहेगा, सो दैट यात्री लोग को काफ़ी सुविधा रहेगा खाने पीने का माध्यम से। सो दैट वहाँ हम लोग नियर अबाउट करीब 22 कियोस्क हम लोग दे रहे हैं एंड सिटिंग अरेंजमेंट विद डाइनिंग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वहाँ टॉयलेट का फैसिलिटीज़ भी है, इसीलिए वो डेफिनेटली पैसेंजर्स के लिए बहुत हितकारी होगा। पैसेंजर्स के लिए बहुत हितकारी होगा। जो इस समय का जो कंस्ट्रक्शन है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जबरदस्त कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये काम कब शुरू हुआ था? ये काम देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था अप्रैल महीने में, अप्रैल 2023 में अवार्ड हुआ था। उसके बाद यहाँ जो स्ट्रक्चर है, यहाँ जो सॉइल की कैटेगरी है, ये थोड़ा अजीब टाइप का, अजीब इन द सेंस थोड़ा लो क्वालिटी, पुअर क्वालिटी की सॉइल है। तो यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन हम लोग किए हैं विथ पाइल फाउंडेशन किए हैं। ये भी जो आप देख रहे हैं ये सब पाइल फाउंडेशन इसका हुआ है। उसके बाद पाइल मतलब पूरा नीचे तक गया है, उसके ऊपर पाइल कैप बना के ये स्ट्रक्चर हम लोग रेज किए हैं। अच्छा, कितना बड़ा इलाका है जिसमें ये पूरा का पूरा स्टेशन बनाया जा रहा है? स्टेशन बिल्डिंग टोटल अगर आप एरिया देखेंगे तो नियर अबाउट 32,000 स्क्वायर मीटर की है, एंड ये जो मेन स्टेशन बिल्डिंग जो है ये 14,000 स्क्वायर मीटर की है। उसी में बाकी सर्कुलेटिंग एरिया है, बाकी अदर ऑफिसेस है, वो सब प्लान किए हैं। मेन जो स्टेशन बिल्डिंग का एरिया है वो 14,000 स्क्वायर मीटर की है। ह्यूज है, ह्यूज है। कितने लोगों को ये एक साथ कैटर कर पाएगी? ये आप देखिए, ये कैटर करने के लिए आराम से आप कोई भी टाइम पे एट एनी मोमेंट अगर आप 20,000 भी आदमी आ जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। बट व्हाट आई टोल्ड यू दैट टोटल फुटबॉल हम लोग का 20,000 है करीब, तो पूरा मिला के 24 आवर का। अभी भी अगर 20,000 आ जाएंगे, ट्रेन के टाइम के हिसाब से आते हैं उसी हिसाब से, आराम से ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी पीपल को मिलेगी। सर, एक और चीज़ है, जब हम बात करते हैं ओडिशा की तो तमाम लोग कहेंगे साइक्लोन प्रोन इलाका है, तो उसके लिए भी तैयारी की आप? बिल्कुल, इसको अकाउंट फॉर करके हम लोग जो भी डिजाइन किए हैं उसको अकाउंट फॉर करके ही किए हैं। उसमें जो भी प्लेटफॉर्म शेल्टर देंगे, जो भी जो साइक्लोन में जो डिस्ट्रॉय या क्षतिग्रस्त हो रहा था उसको अकाउंट फॉर करके हम लोग डिजाइन किए हैं। एक और चीज़ यहाँ पर पैदा होती है, अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो कितनी कीमत आ रही है इसकी? इसकी कीमत नियर अबाउट 300 crores किया है। 300 करोड़ में बना रहे हैं, तो 300 करोड़ में लिफ्ट भी होंगी, तमाम चीज़ होंगे, 21 लिफ्ट है, 17 एस्केलेटर है, ये सब फैसिलिटी दे रहे हैं पूरा, बाकी स्टेयर से एवरीथिंग विथ ग्रेनाइट फ्लोरिंग, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज हम लोग देंगे, बेहतरीन बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको एयरपोर्ट लाइक फील आएगा।
एयरपोर्ट लाइक फील आए, कब तक पूरा करेंगे ये? डेफिनेटली जो टारगेट है हम लोग का 25 अप्रैल तक टारगेट है, बिल्कुल उससे पहले ही करने हो जाएगा मेरा जो उम्मीद है। सामल जी आपको ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। सामल जी का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है, और यहाँ पर आज की अगर हम बात करें तो खुद रेल मंत्री ने इसका मुआयना किया है, इसको देखा है, और कहीं ना कहीं उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि काम ठीक चल रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पर हम एक बार फिर से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये रात दिन किया जाता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, और इसके लिए टारगेट दे दिए गए हैं पूरी तरीके से। ओडिशा के अलग अलग स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनने हैं, और अगर हम पुरी की बात करें तो पुरी में भी जोरदार तरीके से काम चल रहा है। साथ ही साथ भुवनेश्वर की बात करते हैं तो भुवनेश्वर का काम हमने आपको दिखाया, और यहाँ पर इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कटक का रीडेवलपमेंट। जब यह स्टेशन बन जाएगा तब भी हम आपको वायदा करते हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का यह स्टेशन बना है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन कटक।